सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया की ओर से। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लंग्स ऑफ सिटी के रूप में जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि इस जगह से पूरे शहर को इतनी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये करीबन 104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर ना जाने कितनी ही अनगिनत फिल्मों की शूटिंग होती है। जो भी जंगल के शॉट होते हैं, फॉरेस्ट के शॉट होते हैं, वो सारे यहीं पर लिए जाते हैं दोस्तों, और यहाँ की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। यहाँ पर आकर बच्चों के लिए खेलने के लिए, और ये लेक है यहाँ पर, इसमें नौकायान किया जाता है, आप इसमें बोटिंग कर सकते हैं यहाँ पर आकर। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं दोस्तों कैनरी केव्स की ओर। कैनरी केव्स के बारे में हम दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि कैनरी केव्स जो है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है, और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, और यहाँ के नज़ारों की तो बात ही कुछ और है। और आपको नेशनल पार्क में आने के लिए दोस्तों 50 रुपये का टिकट लगता है, और हम लोग आपको टाइगर सफारी पर भी लेकर जाएंगे, उसके लिए अलग पेड करना पड़ता है। करीबन 61 रुपीज़ का टिकट आता है, तो जिसमें कि आप शेर चीते सारे जंगली जानवरों को आप देखेंगे। फिलहाल हम आपको ये मंकी दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत ही अद्भुत जगह है दोस्तों। यहाँ पर ना जाने कितने फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। कैनरी केव्स का नाम दोस्तों, इसमें भी बड़ी विचित्र बातें हैं। कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जो जाना जाता था पहले, उसी का नाम काला पहाड़ होता था, और उसी के नाम पर कैनरी केव्स रखा गया है दोस्तों। और कैनरी केव्स में करीबन 109 गुफाएं आपको देखने को मिलेगी, और ये गुफाएं जो है करीबन 2200 साल से ज्यादा पुरानी है दोस्तों, और इसमें बुद्ध कलाकृतियां आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो हम लोग आपको लिए चल रहे हैं कैनरी केव्स। यहाँ वर्षा ऋतु में यहाँ का जो सौंदर्य रहता है देखते ही बनता है। हम लोग वर्षा ऋतु के दौरान ही यहाँ पर भ्रमण के लिए आए थे, और यहाँ की खूबसूरत वादियाँ आपको दिखाने के लिए हम लोग चलिए साथ में मिलकर घूमते हैं दोस्तों। बड़ा ही आनंद आ जाएगा, और साथ साथ जंगली जानवरों से भी जो बेचारे बोल नहीं सकते, उनको भी उनसे भी प्यार करना चाहिए जो हमारे पास है। अगर हम सबका ख्याल रखेंगे तो ऊपर वाला हमारा भी ख्याल रखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये एंट्री टिकट है, एंट्री टिकट लेकर हम लोग कैनरी केव्स में प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ के विशालकाय पर्वत को आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ के पहाड़ जो हैं, इसमें हमने बताया कि आपको 109 गुफाएं हैं। ये बुद्धिज्म बौद्ध धर्म को दर्शाती है, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान करती है, और यहाँ पर मूर्तियों का 25 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा भी हम आपको आखिरी में दिखाएंगे दोस्तों। फिलहाल हम आपको ये गुफाएं दिखा रहे हैं जो कि 2200 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। यहाँ पर ये पहाड़ को काट काट कर ये गुफाएं यहाँ पर आकर, जो बौद्ध धर्म के थे और यहाँ पर अनुयायी यहाँ पर आकर ध्यान प्रार्थना किया करते थे, ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे कि उनको शांति मिले,
और मन उनका अगर शांत है तो जीवन आपका भी मन यहाँ पर आकर बड़ा ही शांति मिलती है, मन को बहुत ही शांति मिलती है वाकई, क्योंकि जो पॉजिटिव वाइब्रेशन ऐसी जगहों पर होते हैं, जो बड़े बड़े महर्षि ऋषि बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के अनुयायी ने यहाँ पर आकर ध्यान किया, तो उनके वाइब्रेशंस हर जगह, जहाँ पर भले ही आप मंदिर चले जाइए, मस्जिद चले जाइए, भले ही चर्च में चले जाइए, वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हैं। इसीलिए हम अपने सारे दुखों को भूल जाते हैं और ईश्वर में लीन हो जाते हैं दोस्तों। और यहाँ तो प्योर ऑक्सीजन है ही, ये करीबन 104 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये पूरा फॉरेस्ट में ये फैला हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, ये कैनरी केव्स की गुफाएं कितनी खूबसूरत लगती है। ये वर्षा ऋतु के दौरान हम लोगों ने ये शूटिंग की, उसका चित्रण आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये पहाड़ों को सीढ़ी नुमा काट काट कर ये बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप पहाड़ों को किस तरह से तराशा गया है। और बहुत बड़े पैमाने पर ये फैला हुआ है दोस्तों। और ये देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से पहाड़ को काट काट कर सीढ़ी नुमा बना कर, और यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है। और जिस दिन शूटिंग होती है उस दिन किसी और को एंट्री नहीं होती है, क्योंकि एक सप्ताह में एक दिन यहाँ पर छुट्टी रहती है। उस समय शूटिंग वाले स्पेशल परमिशन लेकर यहाँ पर शूटिंग के लिए आते हैं और शूटिंग करते हैं। हमने भी यहाँ पर बागबान फिल्म की शूटिंग करी थी, अमित जी जब अपने दोस्तों का शुरुआत में ही दिखाया है कि हाँ भाई कहाँ आपके मित्र कहाँ रह गए, तो वो शूटिंग बागबान की यहीं पर की गई थी। और बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहीं पर, वीरप्पन की शूटिंग भी यहीं पर की गई थी, क्योंकि पूरा जंगल का ही पिक्चराइजेशन दिखाया गया था दोस्तों। ये जो पहाड़ है पूरा गोरेगांव फिल्म सिटी भी इसी से कनेक्टेड है दोस्तों। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, फिल्म सिटी के अंदर भी जो है शेर चीते कभी कभी वहाँ पर आ जाते हैं। अब हम आपको लिए चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर हम टॉप सबसे ऊंची जगह पर आपको लेकर आए हैं इस पहाड़ की। कितना खूबसूरत लगता है यहाँ से ये आप देख सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती की तो बात ही कुछ और है। और यहाँ अब हम आपको लिए चल रहे हैं टाइगर सफारी। दोस्तों टाइगर सफारी की तो बात ही कुछ और है, अलग ही आनंद आ जाता है दोस्तों। और यहाँ पर आप शेर चीते बाघों को घूमते हुए यहाँ पर देखेंगे, बहुत सारे अलग अलग तरह के। अभी फिलहाल ये है कि हम लोग पिंजरे में बंद हैं और ये पहला गेट है, इस गेट को देखिए बंद कर दिया जाता है। इस गेट के अंदर जाते हैं जैसे ही तो शेर टाइगर और जो है तेंदुए बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और ये आप देख सकते हैं ये टाइगर, ये शेर है लॉयन जो है कि सो रहा है। और अब हम आपको आगे दिखाएंगे अलग अलग, आप उसका आनंद ले सकते हैं दोस्तों। ये दूसरा शेर है जो कि हम लोग भी पिंजरे में बंद होकर इन्हें देख रहे हैं। पिछली बार हम गए थे तो इन्हें खुला रखा गया था, लेकिन अभी कुछ शायद किसी कारणवश से इनके लिए भी पिंजरे बना दिए गए हैं। अन्यथा टाइगर सफारी में जब कोई भी व्यक्ति भ्रमण के लिए जाता है तो हम पिंजरे में बंद रहते हैं और जितने भी जो शेर चीते लेपर्ड ये जितने भी रहते हैं उनको खुला रखा जाता है।
लेकिन शहर के पास होने की वजह से इन्हें सुरक्षित कर दिया गया है ताकि किसी को कोई हानि ना हुए। ये आप टाइगर को देख सकते हैं कि देखो मैं कितने ऐशो आराम से टहल रहा हूँ, लेकिन क्या करें, फिर भी बड़े पिंजरे में बंद हैं दोस्तों। यहाँ बड़ा ही आनंद आ जाता है, और जब भी आप यहाँ पर घूमने आएं तो आप यहाँ बोरीवली स्टेशन से करीबन ये दो बोरीवली ईस्ट में स्टेशन से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर मेन गेट है, जो कि संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर छोटी ट्रेन भी चलती है दोस्तों, उसमें भी आप अपने बच्चों को पूरा अलग अलग स्टेशंस पढ़ते हैं बीच बीच में, और पूरा भ्रमण कराती है वो ट्रेन। बारिश में कुछ बंद थी इसलिए हम उसका फोटोग्राफ्स आप लोगों के लिए डाल रहे हैं कि किस तरह की ट्रेन चल रही है यहाँ पर, और काफ़ी उसका भी अलग टिकट लगता है। कृष्णागिरी नाम से स्टेशन है, और बड़ा ही आनंद आ जाता है उसमें घूमने से दोस्तों। तो ये आज दोस्तों आप मुंबई शहर में जब भी आप घूमने आए इस जगह पर ज़रूर आए, क्योंकि जब आप प्योर ऑक्सीजन लेंगे इतने बड़े शहर में, क्योंकि वातावरण जो है दूषित रहता है, लेकिन यहाँ का वातावरण प्योर ऑक्सीजन के कारण इसे लंग्स ऑफ सिटी भी कहा जाता है दोस्तों। और ये हमने कहा था कि लास्ट में बुद्ध की प्रतिमाएं यहाँ पर, विशालकाय प्रतिमाएं, जो कि सबसे बड़ी मूर्ति जो है 25 फुट की है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही मन को शांत रखते हुए प्रभु में लीन रहिए और आनंद करिए।